वालेकुम, कैसे आप लोग साहब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आपका भाई एकदम फिट पा ज़बरदस्त शानदार। तो भाई आज एक और संडे, एक और राइड। आज बेसिकली हम लोग हैं एक नए ग्रुप के साथ, कराची बाइकर्स के साथ। आज हम लोग जाएंगे गडानी। अच्छा, आज की ट्रिप जो है बेसिकली गडानी है। गडानी के साथ दो चार स्पॉट्स जो रस्ते में आएंगे वो सब कवर करेंगे। आज हमने ज्वाइन किया है कराची बाइकर्स क्लब को और ये मेरी पहली राइड है इस ग्रुप के साथ। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी बाइक्स मौजूद हैं, काफ़ी सारी बाइक्स आ चुकी हैं। और फिलहाल हम लोग अभी हब चौकी क्रॉस करके एक रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर है, रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस रेस्टोरेंट, और बस यहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया और हम यहाँ से निकल। और मिल गए वो भी हमारी तरह, उनकी भी कहानी हमारी जैसी। तो हमने काफ़ी कोशिश की यहाँ पे बैक साइड पे कि हम किसी तरीके से शिप ब्रेकिंग आर्ट तक चले जाएं, बट यहाँ मसला सारा ये होता है कि हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम ब्रेकिंग शिप ब्रेकिंग यार्ड पे पहुँच चुके हैं, बट अंदर जाने का एक मसला हो रहा है कि हमें अंदर नहीं जाना, धीरे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो अब देखें, कोशिश कर रहे हैं। एक और किसी ने बताया कि यहाँ जाके 40 नंबर गेट है, वहाँ पर जाओ। ओहो, रास्ता तो खुला है, गेट खुला है, अब देखते हैं। ये जी शिप ब्रेकिंग यार्ड, सारे शिप यहाँ पर टूटते हैं, पूरा पूरा जहाज यहाँ पे जो है वो जर्रा बराबर हो जाता है। तो
कोशिश करेंगे एंड तक पहुंच जाए, मज़ा ही आ जाएगा। ओए होए 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 डेजर्ट सफारी। पूरी बाइक ही धस गई। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ गए हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड, फाइनली पहुंच गए। काफ़ी मसले मसाइल रहे रास्ते में, रास्ता नहीं मिल रहा था, जाने नहीं दिया जा रहा था, परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन ये एक रास्ता है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ तो ये गेट नंबर 46 कहलाता है इसका, तो यहाँ से इजीली आपको आने जाने दिया जा सकता है। और ये बाइक्स खड़ी हैं हम लोगों की, और ये बेसिकली शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इतना बड़ा जहाज़ खड़ा है और इसके पुर्जे हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो इधर कि ये सारा जितना भी सामान आपको दिख रहा है, ये सब जहाज़ के लेफ्ट ओवर्स हैं। जहाज़ में से काट काट के ये लोग इस तरफ एक तरफ करते हैं, और फिर जो है ये आगे मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में होके कुछ जो रीयूज़ होने वाला होता है रीयूज़ हो जाता है, कुछ बेचने वाला होता है वो बिक जाता है। ये मेरी बाइक बेसिकली एक आयरन स्टैंड बन चुकी है, और जिस पे बहुत सारे कपड़े लद चुके हैं, मेरी जैकेट, नेम की जैकेट, मेरा हेलमेट, मेरा वाटर बैग, सब कुछ इस पर टंग चुका है। तो भाई फ़िलहाल यही कर सकते थे। तो जनाब अब हम लोग चलते हैं करीब और देखते हैं कि ये क्या बला है। पानी का ज़ोर चेक करें यार, सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ पानी की। और ये जहाज़ इस वक्त मेरे ख्याल से इसका कुछ पोर्शन कटना शुरू हुआ है, बाकी पोर्शन बाकी है, पूरा जहाज़ बाकी है। लेकिन ये कि बहुत बड़ा जहाज़ है यार, हम मूवीज़ में देखते हैं, हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो रियल देखना होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये चेक कर। ओए होए होए पानी की आवाज़ तो देखो, क्या कह दिया आपने। चलें तो जहाज़ जो हमारे सामने खड़ा है, ओए होए 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 ये चेक करें, ये मेरी नज़रों के सामने ये मंज़र है। आप देख सकते हो कि इतना बड़ा जहाज़ और मैं उस जहाज़ के बिल्कुल बॉटम पे खड़ा हूँ। ये देखें कितना बड़ा जहाज़ है। तो जो जहाज़ खड़ा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि भाई क्या भला है ये। ये देखें ये इसके पंखे जहाज के, एक पंखा भी इतना बड़ा है, मतलब मेरी हाइट के बराबर तो शायद ये कितना बड़ा पंखा होगा। अगर ये आप लोग को दिखे, ये चेक करें, ज़बरदस्त। और इसको इस चेन ने, मैं जिस चेन की बात कर रहा था ये उससे भी बड़ी चेन है। ये देखें इस चेन से ये इस ज़मीन में धसा, और अल्लाह जानता ही कितना गहरा होगा जिससे ये रुका हुआ है जहाज़ पूरा। और इस चेन ने इसको पूरा जो है वहाँ तक, मतलब एक तरह से नॉट बंधी हुई है इसकी, और ये इससे कंट्रोल्ड हुआ है। ये भाई ये व्यू है जहाज़ की, आई गेस ये टेल होगी, और इस टेल पे यहाँ से ये इतना कटना शुरू हो चुका है आपके सामने कि ये वाला जो पोर्शन है ये कट कट के जो कटता जा रहा है वो सब यहाँ जमा होता जाता है। चलें जी, जो जहाज़ की टूट फूट है ज़रा उस पर नज़र मारते हैं, देखते हैं कि जहाज़ में कैसा सामान होता है। ये भी अंदर का हिस्सा है, कोई चिमनी शिमनी, ये दरवाज़े बने हुए हैं। ये जहाज़ का वो पार्ट जो हमें बाहर से दिखता है, खिड़कियाँ वाला एरिया।
दरअसल हम लोग जिस ग्रुप के साथ आए थे, KBC कराची बैकर्स क्लब के साथ, बस एक अनफॉर्चुनेटली उनके साथ वो आगे पीछे हो गए, हम यहाँ आके फंस गए, वो तिलिस्माती बीच पहुँच गए। तो अब हम भी वहीं जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम लोग गडानी चले जाएँ, गडानी बीच जो मेन बीच है। तो शिप ब्रेकिंग गार्ड का सफ़र बस यहीं था। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने की। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं अब गडानी बीच। गडानी बीच बेसिकली ये आपके पीछे सारा गडानी बीच है और बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन जगह है, इतना प्यारा पानी है इधर। तो हम लोगों ने बाइक्स यहाँ लगा दी अपनी और ये खड़ा अपना शेर। और अब जो है ये पीछे बड़े खूबसूरत पहाड़ का मंज़र है, बहुत प्यारा मंज़र है। बड़े ख़तरनाक रास्ते से चल रहा हूँ मैं, इसका रास्ता कोई और होगा। बाइक्स खड़ी कर दी हैं अल्लाह की अमान में। अब यहाँ से हमने उतरना है, जंप मारनी है। तो भाई गडानी पहुंच चुके हैं। गडानी तक का सफ़र बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरे रोड हैं, कोई ऑफ रोडिंग नहीं है और सिक्योरिटी वाइज भी ठीक है, कोई हमें मसला नहीं हुआ। बीच में एक जगह पार्किंग के लिए बस रोका गया था, उसमें 20 रुपये की बाइक की पार्किंग थी, वो दी और अब जो है बस आगे बढ़ गए। तो ये बीच आ गए, ये माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं गडानी बीच, वन ऑफ द फेमस बीच। ओ इधर तो केकड़े, फिर भी चले आए हैं तो केकड़ों को भी थोड़ा देख लें। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ हमें मिले बहुत सारे केकड़े। ओ छुप, ये रहा, ये कैप्चर हो गया। हेलो केकड़े। अच्छा यहाँ केकड़े बहुत ज़्यादा है, ये चलता हुआ आ रहा है, ये उसके पीछे 2-3 एक साथ आ रहा है। टाइट, चलो चलो भाई चलो, और बोटिंग का प्रोग्राम बन गया, अबे मजा आएगा। चल 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 चल, बोटिंग नहीं की इतनी दूर आके तो फायदा। चलो भाई चलो, अरे यार वहां लेके गया, सही वीडियो बनेगी, सही है। चलो 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 आ जाओ। हां अबे छोड़ो यार, मेरा मुझे बहुत फटती है। अबे क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, हम भी नहीं जा रहे। नहीं 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 जा रहे, अबे मजा आएगा, क्या तू बीच में बैठ जाना, खैर हो गई। वो ज्यादा दूर थोड़ी जा रहा है, हाँ सही है सही है। तो भाई बोटिंग का प्लान बन गया और अब इंशाल्लाह बोटिंग करते। अच्छा भाई अब कश्ती में बैठना है और उसके कितने कहता है बार्गेनिंग सेशन शुरू होगा, बार्गेनिंग होगी जो हमारे भाई पता करते हुए। घुमाया था आज तुम हमें ऐसे बेंचेड में देख रहे हो, तुमने 1000 रुपये बोल दिया। समंदर में नहीं जाना, हमारे 2 बंदे वैसे भी डरते हैं। बाउंड्री के साथ साथ ये जो इसके पीछे है ना, आप यहाँ से हमें करके दो, हमें सारी वीडियो बना के। हम आगे समंदर में नहीं आ रहे, बाउंड्री के साथ, बाउंड्री हाँ करीब 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 करीब। अबे वो भी कह रहा है, वही बंदा मार के धूप के मारा यार, वो तोपल से पांव सूख हुआ था ना, वो 3 जुलाई की बात है। लोग डर रहे इधर, चले भाई बोट बोट पे चलते हैं और थोड़ी सवारी की सैर करते हैं। चले फिर बड़ी आगे जाते हैं। मजा आएगा ऊपर यार, कोई रस्सी तो दो पकड़ने की।
अब मैं उसको देख कहाँ बैठ रहा भाई। बोटिंग का एक्सपीरियंस भी हो गया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी एक एक्साइटमेंट थी बोट की। वो मेरे दोस्त भी मिले, उनके साथ भी इंजॉय किया। अभी जडानी बीच पर ही है, फिर देखते हैं आगे और क्या प्लान है, क्योंकि सारे प्लान हमारे सडन बन रहे हैं। कैसा रहा भाई आप लोगों का बोटिंग एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त, बहुत मज़ा आया। फट किसकी रही थी? इनका डर निकल गया, अभी हम दोबारा जाएंगे। अब दोबारा जाएंगे और गार्डन गार्डन हो गया। अब बार जब हम आएंगे तब जाएंगे, अभी नहीं। मैं सोच रहा हूं इस बार हम जजीरे तक जाएंगे। अब डर निकल गया। नहीं नहीं, अपनी लगे जगह नहीं डर है। वैसे हम दूर थोड़ा जा सकते थे। हां जाओगे वहां तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनाब अभी हम लोग निकले हैं गडानी से, गडानी बीच से। तो गडानी का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आया। हम लोग लाइफ में, मैं शायद फर्स्ट टाइम ऐसी बोटिंग मैंने, मैं ऐसी बोट में बैठा हूँ स्पीड वाली, जिसमें उसने बड़ी तेज़ बोट चलाई। और वो और तेज़ कर सकता था या हम और दूर आज जा सकते थे, बट हमारे साथ जो एक दो लड़के थे वो थोड़ा डर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इतना प्यारा मंज़र है, खूबसूरत। आज का ट्रिप बस गडानी को एक्सप्लोर करना था, गडानी जाना था, तो गडानी चले गए, शिप ब्रेकिंग यार्ड देखा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का बढ़ना ज़रूरी है ग्रो करने के लिए। तो काइंडली ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप लोगों को पता है कि लाइक भी करना होता है, कमेंट भी करना होता है और शेयर भी करना होता है। तो चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।